हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम वापस से बात करने वाले हैं अबाउट सम एमसीक्यूज रिलेटेड विद द बजट। तो दिस इज पार्ट थ्री और डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेट अंडर FRBM एक्ट। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज FRBM एक्ट। तो FRBM एक्ट स्टैंड्स फॉर फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट कंटेन्स एन असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिक अंडरलाइंग अजम्पशन। बिल्कुल ठीक बात है ये। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट सेट आउट 3 ईयर रोलिंग टारगेट्स। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। फॉर फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल ठीक बात है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ये आएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक विद द, देखो PMGY क्या है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम, द गवर्नमेंट सप्लाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू ओवर 80 करोड़। ये बिल्कुल ठीक है, हमारे बजट में स्पेसिफिक मेंशन है ये, और 28 मंथ तक इन्होंने दिया था 80 करोड़ को। हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में बात की है G20 2023 का जो थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम। बिल्कुल ठीक बात है ये, दोनों स्टेटमेंट इसमें भी ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब आएगा नीदर वन नॉर टू। ठीक है, ये दोनों ही ठीक है, तो नॉट करेक्ट तो नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आवर करंट ईयर्स इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2023 इज एस्टिमेटेड टू बी 7%। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारे बजट में मेंशन है इन नॉमिनल टर्म्स। ठीक है, दिस इज हाईएस्ट अमंग ऑल मेजर इकोनॉमिक्स। हाँ, ये पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट तो नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े इकोनॉमीज हैं, मेजर इकोनॉमीज है, उनमें ये हाईएस्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो बोथ ए मतलब बोथ वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं मैं, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विजन फॉर द अमृतकाल। देखिए, इस बार जो अमृतकाल का जो विजन मेंशन है हमारे बजट में, उसमें बेसिकली इन्होंने बात किया फोर, हमारे चार चीजों के बारे में इन्होंने बात किया। डेट इज टेक्नोलॉजी ड्राइवन, ठीक है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ये भी ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन ग्रोथ, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी दोनों है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंस भी है, और रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर, चारों ही उसमें इंक्लूड है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज अचीव रिमार्केबल सक्सेस बाय मोबिलाइजिंग रूरल 81 लाख। हाँ, ये भी SHG में है 81 लाख। ये दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको बेसिकली हमारा जो विजन फॉर अमृतकाल है, उसके चार पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी ड्राइवन ग्रोथ, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंस और रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर, चार पॉइंट उसमें मेंशन है, तो ये चारों ही हमको पता होने चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बजट अडॉप्ट द 7 प्रायोरिटीज। देखिए, इस बार जो बजट है हमारा, उसमें 7 प्रायोरिटीज है, जिसको सप्त ऋषि भी बोलते हैं। ये जो 7 प्रायोरिटीज है, मैं इस क्वेश्चन के बाद में आपको शो करता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट वन अमंग देम, तो उन 7 में से, इन चारों में से कौन सा नहीं है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, रीचिंग द लास्ट माइल ये भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है, अनलिशिंग द पोटेंशियल ये भी है। तो कौन सा नहीं है सर, कोई सा भी नहीं है इनमें, तो इसमें आएगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। अब 7 प्रायोरिटीज की मैं बात करूँ, जिसको हम सप्तऋषि भी कहा गया है बजट में, तो उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलिशिंग द पोटेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, या 7 प्रायोरिटीज या सप्तऋषि हमारे साल के बजट में मेंशन है। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।